बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आपके सामने आज 12th बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप इस शानदार सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, ये सब मुझे मोटिवेट करता है और ज्यादा मुझे हिम्मत देता है और ज्यादा काम करने के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस बार यानी कि 2025 में आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, 12th के बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव, आपके बुक्स का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से समझिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर भी करने का ट्राई करेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। देखिए ऊपर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, आपके सामने जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव पैटर्न का, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये आपका कहाँ का है, रेनबो का है। तो आपको सबसे पहले ये एक बार बताइए, कमेंट कीजिए आप सभी लोग कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इसके जो ऑथर है, इसके जो लेखक है कौन है ना, तो इसके लेखक ऑथर कौन है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसके ऑथर और लेखक का नाम क्या है, महात्मा गांधी है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, और देखिए ऑब्जेक्टिव जब कीजिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए अंतिम वर्ड तक, क्योंकि अंतिम वर्ड पे कोई ट्विस्ट आ सकता है या अंतिम वर्ड से आपको हेल्प मिल सकता है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज अ टाइप ऑफ, अब क्वेश्चन क्या बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है। अब क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, शॉर्ट स्टोरी है, एसे, निबंध है, स्पीच, भाषण है, नॉवेल, उपन्यास है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए ताकि उसके बाद मैं आपको आंसर बता पाऊं। क्वेश्चन क्लियर है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, संक्षिप्त कहानी है, एसे यानी कि निबंध है, स्पीच यानी कि भाषण है, या फिर उपन्यास है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज अ टाइप ऑफ व्हाट, एसे, क्या है ये, एक एसे है, ठीक है। तो नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक एसे है, एक निबंध है, क्या है, एक एसे है, टाइप ऑफ एसे है। सेकंड देखिए एंटन चेकअप, जैसे आपने देखा यहाँ पे एंटन चेकअप, तो आपको कौन सा चैप्टर याद है आपके रेनबो का, एंटन चेकअप जो है वो आपके और रेनबो बुक के एक काफी अच्छे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन सा, अ मैरिज प्रपोजल। तो मैरिज प्रपोजल जो आपका है उसी ड्रामा के ये ड्रामेटिस्ट है ना। अब एंटन चेकअप वाज, और एंटन चेकअप कहा के थे, ये रशिया के थे, कहा के थे, रशिया के थे। तो एंटन चेकअप वाज अ गैप बाय प्रोफेशन, देखिए एंटन चेकअप समझ एक नाम है, वाज वो थे खाली स्थान बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, पेशा, कि मतलब पेशा से क्या थे, एंटन चेकअप पेशा से क्या था, उनका मेन जो पेशा था, मेन जो उनका काम था जिससे वो अर्निंग करते थे वो क्या थे। तो देखिए ऑप्शन दिया है, ये ड्रामेटिस्ट थे, ये उनका पेशा नहीं था ना, डॉक्टर थे, टीचर थे, या फिर क्रिकेटर थे, चलिए बताइए जल्दी जल्दी क्या इसका आंसर होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है कि एंटन चेकअप प्रोफेशन से क्या थे, एक डॉक्टर, दिया था एंटन चेकअप वाज अ डॉक्टर, एंटन चेकअप प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी हेंस। अब देखिए जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हेंस है, हेंस देखिए आपको कौन सा चैप्टर याद आया, चलिए बोलिए कमेंट कीजिए, हेंस देखिए कौन सा चैप्टर याद आया, हेंस का बात कहां पे हुआ है, यही चीज कीवर्ड है जो आपको पकड़ना है आपके ऑब्जेक्टिव्स में, बिल्कुल माइंड को अलर्ट रखना है, ऑब्जेक्टिव इतना आसान भी नहीं होता है कि आप कैसे भी कर लेंगे, और बकवास की बात को ध्यान मत दीजिए कि किसी के अंदर से आएगा ऐसा आएगा वैसा आएगा, बहुत ध्यान से बहुत मेहनत से पढ़ के जाना है, जो मेहनत करता है वही टॉप करता है, टॉपर के साथ कोई जादू नहीं होता है, ठीक है, और उल्टा पुल्टा हरकत करके टॉपर नहीं बनता, याद रखिएगा। और एक बार फिर से, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा के वीडियो से कभी कोई टॉपर नहीं बना है, अगर कोई ऐसा बोलता है तो बिल्कुल बकवास करता है या तो पैसा देकर खरीदा हुआ बच्चा है वो। देखिए हाउ मेनी हेंस, कितने हेंस वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंगी, अब लगे हेंस देखते हैं कौन सा चैप्टर याद आता है, हेंस मतलब कौन सा, द अर्थ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी हेंस, कितनी मुर्गियां थी हेंस से, वर एट फर्स्ट शुरू में केप्ट बाय बेंगी, यानी कि बेंजी जो लड़का था उसने शुरू में अपने पास कितनी मुर्गियां हेंस रखे थे, कितना हेंस उसने शुरुआत किया था। देखिए ऑप्शंस क्या है, 40 to 50, अबाउट अ डजन, देखिए डजन का मतलब क्या होता है, 12 दर्जन, अबाउट मतलब के 12, सॉरी लगभग है ना, अबाउट अ डजन,
30 से 40 या फिर नन। अब देखिए बहुत सारा बच्चा इसमें गलती क्या करता है, या तो 40 टू 50 करता है या फिर बोलता है कि नन। क्यों? क्योंकि बुक में दिया है कि बेंजी के पास 10 से 12 मुर्गी थी, तो सोचता है कि 10 12 तो कहीं दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो 40 50 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया 40 से 50, यहाँ अबाउट डजन दिया हुआ है, यहाँ तो 30 40 दिया हुआ है, यहाँ तो नन दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं देखिए, समझिएगा बात को, रट के जाएंगे तो फंसेंगे। 10 टू 12 तो 10 से 12, तो यहां देखिए क्या लिखा, अबाउट अ डजन। जब आपको ये मालूम है कि 10 से 12 मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होना है, ये ऑप्शन नहीं होना है, अब एक ऑप्शन ये बच गया, एक ऑप्शन ये बच गया, तो अबाउट अ डजन, तो अबाउट अ डजन का मतलब क्या, लगभग 12 है ना, तो 10 से 12 का वही सेंस आ गया ना। तो बेंजी के पास शुरू में कितने हैंस थे, इसका आंसर क्या होगा, बी अबाउट अ डजन। याद रखना है कि अबाउट अ डजन, शुरुआत में इसके पास 10 से 12 मुर्गियां थी, यानी कि उसके पास कितनी थी, अबाउट अ डजन। देन देखिए फैंसी अ लैड स्पेंडिंग, अब हो सकता है यहां से कुछ समझ में आ रहा हो, मैंने क्या बोला कि कहीं भी एक कीवर्ड आपको मिल जाएगा, कोई जादुई चाबी मिल जाएगा जिससे कि आपका आंसर सामने आ जाएगा। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक विद, अब यहां तक कुछ समझ नहीं, कौन चैप्टर सब बाउंस हो रहा है, लेकिन जैसे यहां पे आएगा गार्ड्स वर्ड, तो गार्ड्स का मतलब क्या है, कद्दू लोफिन बोलते हैं आप, तो गार्ड्स देखते हैं कद्दू, कद्दू कहां था, यस वेरी गुड, कौन सा चैप्टर था, द आर्टिस्ट, एक लिखा हुआ फैंसी, अब समझिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, बस मैंने इस कीवर्ड गार्ड्स के दम पे पकड़ लिया कि गार्ड्स का बात कहां हुआ था, सेवी वाले में, सेवी कौन सा चैप्टर है, द आर्टिस्ट। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा क्या है, फैंसी, फैंसी क्या, आश्चर्य, और लैड, लैड मतलब बच्चा, क्या समझे, फैंसी मतलब आश्चर्य, सरप्राइज, आश्चर्य एक बच्चा जो है स्पेंडिंग हिज टाइम, स्पेंड क्या होता है, बिताना, स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक विद गार्ड्स, मतलब इस फ्रॉम कहां से लिया गया, इसका हिंदी क्या हुआ कि जब उसके पापा के दोस्त आते हैं घर पे और सेवी को देखते हैं कद्दू के साथ वो अपना जो ट्रीटमेंट करता है वो करते हुए, तो क्या बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य की बात है भाई कि एक जो बच्चा है वो अपना समय कद्दू के साथ खेल गुजार रहा है, तो कद्दू कहते हैं आपको मालूम पड़ गया कि कौन सा चैप्टर का है, यस ये कौन सा है, तो द आर्टिस्ट, याद रखिएगा द आर्टिस्ट चैप्टर का है ये, और अगर याद नहीं है आपको नहीं पकड़ पा रहे तो इन सब को लिखिए, और लिख के जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए बार बार फिर से कह रहा हूं कि एक टॉपर बहुत ध्यान से हर बात को सुनता है, रिवीजन जरूर से करता है, बार बार उबता नहीं है, पेशेंस उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और दूसरा वो नोट्स बहुत बनाता है, तो नोट्स बनाए कीजिए, उसको रिवाइज किया कीजिए। अब ये क्या है, अ मैरिज प्रपोजल इज अ, मैरिज प्रपोजल आपका क्या है, ड्रामा है आपको मालूम है, और आपने पहले इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था स्टोरी ऑफ ड्रामा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का है। तो मैरिज प्रपोजल क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी है, मास्क है, तो देखिए मैरिज प्रपोजल के बारे में क्या मालूम है बताइए फटाफट, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी है, या फिर मास्क है, कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी, यस। तो मैरिज प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है, याद रखिएगा मैरिज प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है, मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी, और ये वन एक्ट प्ले भी याद रखिए, मैरिज प्रपोजल क्या है, वन एक्ट प्ले है। देखिए नंबर 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो पोयम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके पोएट का नाम कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, यस नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट, मतलब इस कविता में जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, इस कविता में टॉक्स अबाउट किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, टॉक्स अबाउट द खाली स्थान ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कविता है, इस कविता में पोएट ने ह्यूमन लाइफ के कौन से चीज को दर्शाया, कौन से बात को दर्शाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला फर्स्ट ऑप्शन है ए हैप्पीनेस, खुशी को दर्शाया है, फ्रस्ट्रेशन हताशा को, निराशा को, परेशानी को दर्शाया है, पावर इंसान की ताकत को दर्शाया है, या नॉलेज उनके ज्ञान को दर्शाया है। क्लियर है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट, मतलब इस कविता में चर्चा हुआ है, बात किया गया है, गैप ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की कौन से ट्रेड का बात हुआ है, तो ऑप्शन है कि हैप्पीनेस खुशी का, फ्रस्ट्रेशन यानी कि हताशा का, पावर यानी कि ताकत का, नॉलेज यानी कि ज्ञान का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी, यस वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या है फ्रस्ट्रेशन हताशा, मानव जीवन विद्यमान हताशा, आदमी जो दुखी है परेशान है उसको दर्शाया गया है इसमें नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में। अच्छे से याद रखिएगा कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएट ने ह्यूमन लाइफ में जो इनहेरेंट है क्या
फ्रस्ट्रेशन उसी के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है नानुकार का ब्रॉट। देखिए ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का फॉर्म है, ब्रिंग मतलब क्या लाना, तो नानुकार का ब्रॉट अ खाली स्थान विथ हिम टू दिल्ली। आपको मालूम है कि नानुकार का जब दिल्ली आते हैं अपनी बहन के पास तो अपने साथ क्या लेके आते हैं, एक गिफ्ट लेके आए थे, किचन बिल्ली का बच्चा लेके आए थे, जोधपुर कोट या जोधपुर कोट लेके आए थे, फिर एक कार लेके आए थे। चलिए बोलिए नानू काका अपने साथ क्या लेके आए थे, कोई गिफ्ट लाए थे कि बिल्ली का बच्चा लाए थे कि जोधपुर कोट लाए थे कि कार लाए थे, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा, किचन। नानू काका अपने साथ क्या लाए थे, एक किचन लाए थे जो कि स्टेशन पे उन्होंने एक बास्केट पे रखा हुआ था, जब उनका भांजा जाता है डायरेक्टर रिसीव कर बोलते जल्दी बास्केट लेकर तुम बाहर जाओ, और यार एक किचन जो था नानू काका के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आया था, बिना किसी पैसे का आया था। तो यहां तक 7 नंबर तक आपको क्लियर हो गया, तो एक बार फटाफट इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। टोटल हम लोग आज 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो 7 तक क्लियर हो गया आपका। तो देखिए अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 8 क्वेश्चन क्या है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। क्या है कि ही लिफ्टेड हिज हेड, लिफ्ट इसका तो उठाना, कि he lifted his head from his drinking, उसने पानी पीते हुए क्या कि अपने सिर को उठाया, तो he lifted his head from drinking, इसे बताना है कि कौन से पोयम का ये लाइन है ना, पानी पीते हुए सिर को उठाया, ये आपको बताना है क्या कि ये जो लाइन है ये किस पोयम से लिया गया, कौन सी पोयम की लाइन है। देखिए ऑप्शंस क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, फायर इन माई ग्रैंडमदर हाउस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दूं, थोड़ा समझा दूं। अब देखिए क्या है कि उसने पानी पीते हुए सिर को उठाया, अब आप खुद देखिए ग्रैंड मदर हाउस में कहीं भी कवि कमला दास ने पानी पीने का बात किया है, नहीं किया तो सीधे आउट हो गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि ने कहीं बोला है पानी पीने का बात, कहीं बात नहीं किया है। आप देखिए स्नेक सपोज और फायर में, तो फायर में आपने देखा कि इसमें आग का बात हुआ है, पानी का बात नहीं हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। आप ये मत कभी सोचो ना कि कौन सा होगा कौन सा होगा, आप क्या सोचो कौन सा नहीं होगा, हमेशा एलिमिनेट करने के लिए सोचिए कि कैसे ऑप्शंस को कम करें। जितना एक बार ध्यान रखें, जितना ऑप्शंस आपके पास कम रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका आंसर्स एक्यूरेट होने का, सही होने का चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि he lifted his head from drinking, कौन सा पोयम का है, तो स्नेक पोयम का है। देखिए नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैप इज अ मेटाफिजिकल पोएट, क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब आपको ऐसे ही ऑलरेडी सबको याद है कि किसको कहा गया है मेटाफिजिकल पोएट, जॉन किट्स, जॉन डोने, थॉमस किड और टीएस एलियट। चलिए इसका कमेंट कीजिए आंसर फटाफट, किसको कहा गया है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग इसका आंसर, इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ दिया गया, कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर आप जल्दी कीजिए, लास्ट में इसका आंसर मैं कमेंट करूंगा आपको। नेक्स्ट है वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन, ये भी क्वेश्चन देखिए 9 और 10 ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था, 1853, 1863, 1973, 1873, चलिए जल्दी बताइए कमेंट कीजिए कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए वाल्टर डिलामेयर का जन्म हुआ था कब, 1873 में, ठीक है इसको याद करना है, अच्छे से लर्न करना है, 1873। नेक्स्ट देखिए मैकाविटी, अब मैकाविटी तो आप समझते हो, मैकाविटी का नाम लेते हैं किसका नाम आता है, कैट, किसका नाम था, एक कैट का नाम है। तो मैकाविटी इज फुल ऑफ, मैकाविटी किस चीज से भरी हुई है, हैप्पीनेस खुशी से, सैडनेस दुख से, सेल्फिशनेस स्वार्थ से, और डेसिटफुलनेस का होता है बता ना सातिक बना, धोखेबाज, धूर्त, तो धूर्तता से। तो जिसने भी पोएम्स को पढ़ा होगा उसको मालूम है कि मैकाविटी बहुत ही धूर्त थी, बहुत ही चालबाज थी कवि, इसलिए उससे नाराज था, उससे गुस्सा था, परेशान था, वो कहीं पे है ना बहुत ज्यादा उदास और खुशी का बात नहीं था, वो सीधे सीधे क्या है मैकाविटी फुल ऑफ डेसिटफुलनेस, यानी कि वो काफी धूर्त थी, काफी शरारती थी, काफी चालबाज थी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नानू काका वाज द नैरेटर, नानू काका नैरेटर के यानी कि मनोहर माल गौकर के क्या थे, ग्रैंडफादर थे, फादर थे, मैटरनल अंकल थे या फिर कजन थे। तो आप सब जानते हैं कि जो नानू काका थे वो नैरेटर के है ना माँ के भाई थे, तो ये कॉमन सी बात है कि जब माँ के भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं, तो नानू काका क्या थे, नानू काका वाज नैरेटर्स मैटरनल अंकल। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से 12 क्वेश्चन जो मैंने 12 क्वेश्चन डिस्कस किया ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ऐसी ही सीरीज लगातार चाहिए एग्जाम तक तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिए, यस वी नीड, यस आई वांट, जो भी आपको लगता है लिखिए,
ताकि हम लोग इसको आगे जारी रख सके, और लगता है कि नहीं इससे कोई बेनिफिट नहीं है, बेकार है, तो फिर आप नो कमेंट, कोई कमेंट मत करो, मैं समझ जाऊंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।